अविकारी और विकारी परिवर्तन की दृष्टि से दो प्रकार हैं शब्द के, वो आज अपन समझने वाले हैं, जिसमें कक्षा 11वीं में हाल ही में अविकारी यानी अव्ययी, जिसका दूसरा नाम है अव्ययी, ये शब्द का एक प्रकार टॉपिक है अविकारी शब्द, वही आज अपन लेंगे। अविकारी और विकारी दो शब्द है, यानी शब्द परिवर्तन की दृष्टि से शब्द के प्रकार है विकारी और अविकारी। विकारी में एक तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। विकारी यानी जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी, एक बार फिर परिभाषा देख लीजिए, विकारी यानी विकार, विकार यानी परिवर्तन, किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जो परिवर्तित हो जाए वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा अपन जानते हैं, सामान्य से टॉपिक छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को अपन संज्ञा कहते हैं। तीन भेद हैं, व्यक्ति जाति और भाव, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सामान्य से इसके भेद हैं प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, इस प्रकार। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन विशेषण कहते हैं। और क्रिया वाला टॉपिक मैं करवा चुका हूं, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। ये सामान्य चीजें, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपसे बात करी, क्योंकि टॉपिक आज अपना अविकारी है। अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो लिंग, वचन, काल, कार्य के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, जिनमें कोई विकार नहीं होता, अविकारी कहलाते हैं। अविकारी, विकारी यानी परिवर्तन होना, और अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होना, लिंग, वचन, काल, कार्य के आधार पर जो परिवर्तित तो नहीं होते या जिनमें बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक। क्रिया विशेषण अव्ययी, संबंध बोधक अव्ययी, समुच्चय बोधक अव्ययी और विषमादि बोधक अव्ययी, ये अविकारी के चार भेद हैं, जिसमें पहला आज अपन पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्रिया विशेषण अविकारी अव्ययी। क्रिया विशेषण अविकारी अव्ययी कौन होते हैं, किसे कहते हैं? वे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने की विशेषता बताते हैं या क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के आधार पर अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मोहन धीरे चलता है, चलता है क्रिया है। अब किस प्रकार चल रहा है? धीरे चलता है, धीरे चलता है, यानी क्रिया की विशेषता कैसे हो रही है, क्रिया किस प्रकार क्रिया हो रही है, है ना, कैसी क्रिया हो रही है, तो अपन कहते हैं कि जो चलता है क्रिया है, ये किस प्रकार हो रही है, धीरे हो रही है। इन मोहन कैसे चल रहा है? धीरे चल रहा है, तो क्रिया हो रही है धीरे, तो ये धीरे शब्द है, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया चलता है कि विशेषता बताने वाला शब्द धीरे है, इसलिए इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के जो भेद है वे चार है, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के काल का बोध ग्रह, यानी क्रिया के होने का बोध ग्रह, समय का बोध ग्रह, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी क्रिया कब हो रही है उसका समय बताएं, काल बताएं, तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे राम कल आएगा, आएगा क्रिया का रूप है। अब इसकी विशेषता किस तरीके से या किस शब्द से बताई जा रही है, यह समय को बताने वाला शब्द है। कल आएगा यानी क्रिया हो रही है, कल, कालवाचक क्रिया विशेषण इसको कहेंगे। विशेषता तो बताई जा रही है, बस किस तरीके से बताई जा रही है, काल के अनुसार, समय के अनुसार विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण डेफिनेशन वही रहेगी, क्रिया का स्थान का बोध कराने वाली या स्थान का बोध कराने वाले, स्थान की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन क्या कहेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। राम उधर बैठा है, बैठना क्रिया है, उधर बैठा है, स्थान का बोध हो रहा है,
इधर बैठा है, उधर बैठा है, ऊपर बैठा, नीचे बैठा। स्थानवाचक जो शब्द रहेंगे वो सारे के सारे इसमें क्रिया विशेषण में, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे, जैसे राम उधर बैठा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति का मतलब होता है पद्धति, रीति का मतलब होता है ढंग, क्रिया किस ढंग से हो रही है, किस तरीके से हो रही है, वह है बताएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। राम या मोहन तेज चलता है, मोहन तेज चलता है, चलना क्रिया है, तो किस तरीके से चल रहा, तेज चलता है, क्रिया की विशेषता तो बता रहे, इसलिए हम क्रिया विशेषण के अंदर इसको डालते हैं। अब विशेषता भी बता रहा, किस तरीके की विशेषता बता रहा, तो ढंग बता रहा है, चल तो रहा है, कैसे चल रहा, तेज चल रहा है, तो वह हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण का मतलब होता है नापतोल, परिमाण का मतलब होता है नापतोल, तो क्रिया की विशेषता किस तरीके से बताएगा, वो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, नापतोल, परिमाण के आधार पर जब क्रिया की विशेषता बताई जा रही है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वह कम शोता है, सोना क्रिया है, कम ज्यादा अधिक बहुत है ना, ये परिमाण के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको अपन कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार सामान्य सा टॉपिक है अविकारी शब्द। अव्यय, अव्यय का मतलब जिसमें व्यय नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द की परिभाषा एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, वे अविकारी शब्द जो लिंग वचन काल कार्य के आधार पर परिवर्तित तो नहीं होते, जैसे हैं वैसे रहते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के चार भेद मैंने बता दिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक, जिसमें पहला बिंदु हमने दिया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के चार भेद हमने पढ़े, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और सभी के उदाहरण दिए। धन्यवाद।